चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए तीन चैलेंजिंग प्रश्न लाया हूं और तीनों ही प्रश्न बहुत ही मजेदार है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। यहां पर देखिए, इस प्रश्न में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, लाइन खींचना है। कैसे देखिए, यहां पर मैंने तीन कलर के बिंदु बना रखे हैं, है ना, गोला बना रखे हैं तीन कलर के। आपको क्या करना है, जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ग्रीन को ग्रीन से जोड़ना है, येलो को येलो को येलो से जोड़ना है, रेड को रेड से जोड़ना है। लेकिन याद रखना है भाई कि कोई भी लाइन जो है क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप रेड को रेड से मिलाते हैं, ये मैंने रेड को रेड से मिला दिया, फिर ग्रीन को ग्रीन से मिलाऊंगा, तो यहां पर देखिए ग्रीन को जैसे ही मैं ग्रीन से मिला रहा हूं तो क्या हो जा रहा है, कट हो रहा है। इसका मतलब हमें इसको इस प्रकार मिलना है ना, जैसे मैं पीले को पीले से मिला दिया, ग्रीन को ग्रीन से मिला दिया, फिर रेड को मैं कैसे मिलाऊं, रेड को रेड से मिला रहा हूं तो क्या हो रहा है, कट हो रहा है, जबकि ये कट नहीं होना चाहिए। इधर से मिलाऊंगा तब भी क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो हमें इस प्रकार मिलाना नहीं है, हमें किस प्रकार मिलाना है कि ये जो लाइन है एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। आपको पीले को पीले से मिलाना है, ग्रीन को ग्रीन से मिलाना है, रेड को रेड से मिलाना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग थोड़ा देर सोचिए और इसको मुझे बताइए। इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, एक और दो को जोड़ा गया है तो तीन आता है ना, तीन और चार को जोड़ा गया है तो 21 कब आएगा, पांच और छह को जोड़ा गया है तो 55 आ रहा है, तो सात और आठ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मतलब यहां पर कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है, उस पैटर्न के आधार पर आपको इस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे देना है। निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर मुझे जरूर देंगे। और ये है हमारा तीसरा प्रश्न। अब इसमें दो प्रश्न है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में पैटर्न छुपा होता है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए 9 है, यहां पर 17 है, यहां पर 33 है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर क्या आएगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से बनाया जा सकता है और मैंने आपको हमेशा बताया है, इस प्रकार के प्रश्नों को या तो आपको क्लॉकवाइज बनाना होता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाना होता है। कैसे, देखिए यहां पर जैसे 9 है तो 9 और 17 में क्या संबंध है, मतलब 9 और 17 को हम क्या कर रहे हैं कि यही आएगा। तो पहला वाला स्टेप तो हमारा ये है, 9 है तो 9 को कुछ ना कुछ किया गया होगा, फिर 17 आया होगा। इसका मतलब ये है, अगर हम 9 को 2 से गुना कर दें, है ना, 9 दुनी कितना होता है, 18 होता है, और इसमें एक माइनस कर दें, मतलब कितना जाएगा, 17। इसका मतलब ये है, जो अगली संख्या है वो पिछले संख्या को दुगुना करके एक माइनस करके प्राप्त किया जा रहा है। उसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर 9 दुनी 18 में हमने एक माइनस किया तो कितना आया, 17 आ रहा था, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 17 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 34 होगा। 34 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33 होगा, ये भी हो गया। इसका मतलब ये है 33 को हमें क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा, तो 33 दुनी कितना होगा, 66 होगा। अब 66 में माइनस एक करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 65 आएगा, मतलब यहां पर कितना आएगा, 65 आएगा, जो कि बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आप पैटर्न तो आपको समझ आ गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पैटर्न ढूंढना है, तो आपको या तो क्लॉकवाइज ढूंढना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज ढूंढना है। ऐसा नहीं ढूंढना है कि यहां पर 2 है तो सामने में कितना है, 16 है, तो यहां पर 256 है तो सामने में क्या आएगा, इस प्रकार का ढूंढेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका जो उत्तर है नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ढूंढना है। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज ढूंढेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ढूंढेंगे तो हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर एकदम से बड़ा संख्या मिल गया। हम क्या करेंगे, यहां पर सोचेंगे। तो देखिए, अगर हम यहां पर क्या करें, 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब अगर हम यहां पर 4 मानते हैं। अब इसी का हम फिर क्या करें, स्क्वायर करें, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, यह तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। और यदि हम 16 का फिर से स्क्वायर कर दें तो उत्तर कितना जाएगा, 256 आएगा, मतलब ये बिल्कुल पैटर्न का पालन कर रहा है, मतलब यहां पर क्या आएगा, 4 ही आएगा, जो कि परफेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इस वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ा गया है ऐसा नहीं है, इसको क्या किया गया होगा, निश्चित रूप से इन दोनों संख्याओं को कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो जोड़ा गया तो कितना आया, 3 आया, लेकिन भाई यहां पर 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तब तो 7 आना चाहिए था, जबकि यहां पर कितना आया है, 21 आया, तो 21 कब आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सभी में पैटर्न का पालन होना चाहिए, ठीक है। यहां पर 55 कब आएगा, तो देखिए 2 और 1 को जोड़ा गया है तो 3 आया है, और इसको पहली संख्या से गुणा किया गया है ना, पहली संख्या मतलब छोटी संख्या से
तो 3 आएगा, यानी कि उत्तर आ गया। उसी प्रकार इसको हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना आएगा, 7 आएगा, और पहली संख्या से गुना करेंगे मतलब छोटी संख्या से गुना करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। यहां पर देखिए 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, और 11 को गुना किया गया होगा 5 से मतलब छोटी संख्या से, तो कितना आएगा 11 5 55। उसी प्रकार 7 और 8 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 को आपको 7 से गुना करना पड़ेगा मतलब छोटी संख्या से गुना करना है, तो 15 सत्य कितना होगा 105 होगा, और ये हमारा उत्तर हो गया। निश्चित रूप से आपको आसानी से समझ आया होगा। अब चलिए हम उस प्रश्न की ओर चलते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। निश्चित रूप से आप लोगों ने इस पजल को जरूरी से क्या हो गया होगा, बना लिया होगा, निश्चित रूप से बनाया होगा। तो चलिए इस प्रकार के पजल को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम पहले पीले को पीले से मिला देते हैं, चलो हम पीले लाइन को पीले लाइन से मिलाते हैं। ये हमने पीले को पीले से मिला दिया, हमारा काम हो गया। कोई भी लाइन कट नहीं करना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं कट नहीं होगा। अब हमने ग्रीन को ग्रीन से मिला दिया, यहाँ पर देख लीजिए आपको बाहर से लाइन तो खींचना नहीं है, ये जो चौकोर दिख रहा है इसी के अंदर में लाइन खींचना है। अब निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, रेड को रेड से मिलाना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसको सीधा मत खींचिए। जैसे ही सीधा खींचेंगे ना तो ये क्या कर रहा है, पीले लाइन को काट रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। उसी प्रकार आपको इधर से भी नहीं खींचना है, सीधा नहीं खींचना है, सीधा करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन लाइन को काट रहा है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां से आप लाइन खींचना प्रारंभ करेंगे और इसको देखिए आपको यहां पर जगह मिलेगा, ये देखिए जगह मिल रहा है, और यहीं से आप क्या करिएगा, इस प्रकार लाइन को मिला दीजिए। देखिए रेड जो है रेड से मिल गया, ग्रीन ग्रीन से मिल गया, पीला पीले से मिल गया, कहीं पर भी कोई भी लाइन जो है एक दूसरे को नहीं काट रहा है। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के जो गणित के पजल होते हैं बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो जरूर है लेकिन बहुत ही मजेदार वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसे ही दो शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।